धुआं भी कर सकते हो या सल्फर का स्प्रे भी कर सकते हो उसके लिए। सल्फर का स्प्रे करने से क्या है कि पाला नहीं जमेगा इसमें, ये खर्चा महंगा पड़ रहा है ना, उसकी बजाय सल्फर का स्प्रे कर दोगे तो अपनी बचत हो जाएगी इसमें। और इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, मतलब शाम को इसको ढकना हटाना, इसकी जगह एक सल्फर। दूसरा क्या है कि इसके नीचे ज़मीन के अंदर है ना जो खुराक डालते हो ना, अब तो आप खुराक का टाइम है नहीं, अब तो बिल्कुल स्प्रे के अंदर क्या नाम से आप इसमें 24 कैरेट आता है बिल्कुल लिक्विड माइक्रोन्यूट्रेंट। उस लिक्विड माइक्रोन्यूट्रेंट का ये फ़ायदा है कि एक तो टमाटर के जो है ना एक साइज़ के बनेंगे, अलग अलग साइज़ के, एक साइज़ के टमाटर होंगे तो उससे क्या है कि बाज़ार भाव उसका ज़्यादा मिलेगा। दूसरा टमाटर के अंदर चमक होगी, चमक समझ, कोई भी डेयरी के अंदर जाओगे आपका माल महंगा कब बिकेगा, जब उसमें चमक। चमक होगी। आज छोटे टमाटर अलग छांटते हैं, बड़े टमाटर अलग छांटते हैं, तो अब जब एक साइज़ के टमाटर सबकी आएंगे साइज ऐसी आएगी, बढ़िया ये आएगी। सब की साइज़ इस तरह की, मतलब टमाटर की साइज़ मिलेगी आपको। तो 24 कैरेट एक दवा आती है, उस 24 कैरेट को कोई भी कीटनाशक दवा जो मच्छर के लिए है या इसके अंदर जो पत्ते काले हो रहे हैं ब्लाइट के लिए है, उस दवा के अंदर 24 कैरेट नाम के दवा आप मिक्स कर लोगे तो उस दवा से एक इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ेगी। पौधा जब क्या होता है कमज़ोर होता है ना तो उसमें ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, तो जब उस 24 कैरेट से पौधे को ताकत मिलेगी, जब ताकत मिलेगी तो क्या होगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, तो उसमें बीमारी भी से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। समझ रहे हो भाई, कमज़ोर आदमी बीमारी ज़्यादा आती है ना, जो आदमी हष्ट पुष्ट होता है उसमें कम आती है, तो उसके एक फ़ायदे बीमारी कम आएगी, दूसरा आपकी जो फसल की क्वालिटी बढ़ेगी तो बाज़ार भाव ज़्यादा बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा, जो वजन है वो बढ़ेगा, तो आपको जो खर्चा करोगे उससे कई गुना आपको बेनिफिट मिलेगा। भाई कीटनाशक की स्प्रे करना तो मजबूरी है ना कि भाई ये तो बीमारी आ गई आ गई, लेकिन ये जो 24 कैरेट है इसके पैसे आपके अपनी जेब से नहीं लग रहे। दूसरा एक चीज़ और होती है, जब हम स्प्रे करते हैं ना तो जैसे ऐसे करके स्प्रे करके चलते हैं तो पानी पत्तों से नीचे गिर जाता है, वो ज़मीन में चला गया, बेकार हो गया ना, मतलब जेब से पैसा निकल के और नीचे चला गया, कोई फायदा नहीं है उसका जो ज़मीन में गिर गया। वो अभी इसके लिए आता है एक चिपकाने वाली दवा आती है, आसरा जिसको कहते हैं, वो दवा 500 लीटर पानी के अंदर 100 ml डलती है। उस दवा को मिलाने से क्या है कि जो भी आपकी दवा पत्तों के ऊपर जाएगी तो वो जल्दी फैलेगी। आज जैसे ये पत्ता है इस पे ये दवा है ना, अभी तो क्या है नीचे गिर जाती है और उसकी बूंद तुरंत इसके ऊपर फैल जाएगी, इसके ऊपर फैलेगी तो फैलने से क्या होगा, पत्ता जल्दी उसको अवशोषित करेगा और जो नीचे कीड़े बैठे हुए हैं ना इसके, वो कीड़े भी उससे मरेंगे। क्यों मरेंगे वो, भाई दवा तो ऊपर कर रहे हो नीचे तो दवा लग नहीं रही, लेकिन उस दवा की जो है आसरा की एक खासियत है कि जो पत्ता उसको शोषित कर लेगा तो नीचे भी दवा चली जाएगी, तो नीचे जो वो लट बैठी है या जो मच्छर बैठा है जैसे ही पत्ती को खाएगा वो वहीं की वहीं मर जाएगा। तो आपको उससे डबल फायदा होगा, एक तो आपकी दवा जल्दी मतलब जो पैसा वेस्ट जा रहा है वो नहीं होगा और दवा ज़्यादा। फिर दूसरी बात यह कि बारिश हो गई, मान लो आज स्प्रे की और तुरंत बारिश हो गई 3-4 घंटे बाद, तो दवा धुल गई ना, उससे क्या है कि दवा धुलेगी नहीं, अभी जो रात को ओस गिर रही है ना ओस धूप गिर रही नीचे आ है जाती है। उससे वो धुल जाती है दवा। तो उस चीज़ को जब हम आसरा का स्प्रे कर देंगे इसके साथ मिला के तो दवा धुलेगी नहीं, क्योंकि जो दवा ने काम पत्ते को चिपका देगी, वो फैला देगी चिपका देगी, प्लस पत्ते के नीचे चली जाएगी, नीचे जाने के बाद जो दवा ने काम करना है वो कर ले। तो आज जो हम खेती कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया है, आपके एडवांस खेती है सारा कुछ है, लेकिन इसके अंदर भी अब जैसे मैंने आपको बताया सल्फर का स्प्रे, इसमें मेहनत बहुत हो रही है आप, लेकिन आप एडवांस टेक्नोलॉजी पे कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दो चीज़ और कर लोगे आसरा और ये दो चीज़ और मिला लोगे इसके अंदर 24 कैरेट, तो आपको अपनी फसल का बाजार में मूल्य ज़्यादा मिलेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा और आपकी फसल की क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। ये लाल टमाटर के भाव ज़्यादा